मथुरा का चुनावी माहौल मथुरा के लोगों से बेहतर कौन बता सकता है, इसलिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच गई है कृष्णा नगर मार्केट के पास। ये राधा नगर मार्केट है और चाट पे कुछ लोग, जो चाट भंडार है वहां पर कई लोग नजर आएंगे आपको एंजॉय करते हुए, घूमने फिरने के लिए पहुंचे हुए हैं आसपास के लोग। वहीं साथ में जो महिलाएं हैं वो आपको खरीदारी करती हुई नजर आएंगी। तो एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में मथुरा की प्रत्याशी जो कि हेमा मालिनी, जिनको तीसरी बार टिकट मिला है, उनको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है और बीते सालों में कितना काम हुआ है मथुरा में, ये भी हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका और मथुरा के ही रहने वाले हैं आप? हाँ जी। कितने सालों से मथुरा रह रहे हैं? मथुरा तो हम काफी साल से रह रहे हैं। इस बार भी जो टिकट है तीसरी बार हेमा मालिनी जी को मिला है, तो अगर बात करें उनके दो कार्यकाल की तो यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। जैसे बहुत कुछ में क्या क्या आता है? डेवलप देख तो लो। कैसा था? मैं तो पहली बार आई हूँ, तो अगर मुझे आपको बताना हो या जो जनता आपको देख रही हो, क्या क्या पहले नहीं हुआ करता था? अभी डेवलप हुआ है, इस चीज के लिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, कैमरे के लिए ठीक है नहीं बोल सकता। अच्छा, आप सर यहीं के हैं? ये हैं यहाँ के। हाँ, आप यहाँ के नहीं है? जी जी भैया, आप अरे आप कहाँ से हैं? यहीं से? क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार। क्या लगता है कि यहाँ पर काम हुआ है, बेहतरी हुई है पहले से? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। रोड बनी है अच्छी, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, 24 घंटे बिजली आ रही है। यानी हेमा मालिनी जी का जो बीते दो कार्यकाल हैं वो अच्छे गए? बिल्कुल अच्छे गए, सारा कुछ काम करके दिया उन्होंने। हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर रोड्स वगैरह तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही, पहले इससे भी खराब हुआ करता था? एक्चुअल क्या है, उससे पहले इसकी स्थिति बहुत ज्यादा डाउन थी, यहाँ भीड़भाड़ का इलाका है तो इतना काम हो नहीं पाता है। इससे पहले ये रोड और बेकार था, अब उन्हीं ने बनवाया ये पिछले कार्यकाल में। और भी लोग मजे से चाट खा रहे हैं। आप, क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। आप भी मथुरा के ही रहने? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि हेमा मालिनी जी को कोई टक्कर देने के लिए है यहाँ पर, और कोई कॉम्पिटिशन है? नहीं है, नहीं है, सीधी सीधी उनकी रेस है और वो सीधा जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लगता है कि उनके दो कार्यकाल में काम हुए हैं? हुए हैं। क्या काम है? बिजली मिली है, सड़कें बनी हैं, भीड़भाड़ कम हुई है, जाम से छुटकारा मिला है, ये काम अच्छा। और ये जो मार्केट एरिया है यहाँ पे जाम लगा करता था? बिल्कुल लगता था। देखिए, आप पहुँचते हैं कुछ यहाँ पर जो दुकान लगाने वाले लोग हैं उनसे भी जरा बात करते हैं, उनकी बात भी पहुँचाते हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? दीदी, मेरा नाम है प्रदीप। प्रदीप जी, कब से दुकान लगा रहे हैं? जी हमको हो गए दो साल। दो साल हुए हैं। और मथुरा के ही रहने वाले? नहीं जी, वृंदावन। अच्छा, वृंदावन। क्या लगता है मथुरा में जब आप दुकान लगाते हैं, पहले से अब में क्या कोई विकास हुआ है या और बेहतरी होनी चाहिए थी? नहीं जी, विकास तो हुआ है लेकिन जाम की वजह से दिक्कत है, मथुरा वृंदावन आने में इतना टाइम लग जाता है, विकास खाली जाम की वजह से होना चाहिए। प्रॉपरली जाम बहुत तेज है। यानी सड़कों पर काम हुआ है नहीं हुआ है ये बताइए? काम हुआ लेकिन जाम के प्रति व्यवस्था थोड़ी ऐसी है कि हम लोग मथुरा से आते कभी हम 15 मिनट पहुंचते थे, आज हम 15 घंटे में आते हैं। जी, तो देखिए कुछ महिलाओं को लेकर क्या हुआ है वो महिला से जानते हैं और कोशिश करते हैं उनसे ही बात करने। आप मथुरा की रहने वाली हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? दिव्या शर्मा। दिव्या जी, आपकी जो यहाँ से सांसद हैं वो भी महिला हैं, दोबारा से अब उन्हें तीसरी बार टिकट मिला है, लगता है कि महिला होने के तौर पर आपको यहाँ पर कोई काम होता हुआ दिख रहा है? मेरे को यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए, मेरी शादी हो गई है, मैं गोवर्धन शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है मथुरा में क्या कोई काम हुआ है महिलाओं के लिए? हाँ। जैसे क्या क्या काम हुआ है? जैसे कि अब पहले क्या होता था कि सड़क पे चलती लड़की को हर कोई गलत सलत बोलना, ईव टीजिंग हो जाती थी। जी, अब नहीं है ये सब, अब आराम से कहीं भी लड़की आ सकती है, जा सकती है। तो देखिए, और भी क्या नाम हुआ आपका? पारस। चलाऊं ना। कब से रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं आप? झांसी। झांसी के हैं। और मथुरा कब से रह रहे हैं आप लोग सर? हम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 सालों में 10 साल का जो कार्यकाल है आपने हेमा मालिनी जी का देखा, अब उन्हें दोबारा टिकट मिला है, क्या कहेंगे, क्या और काम होने चाहिए थे या कैसा है काम? बेस्ट काम, मस्त काम है, मस्त काम। आप फर्स्ट टाइम वोटर होने वाले हैं या वोट दे चुके हैं पहले? अभी नहीं, अभी नहीं हुआ। जितने भी वोट गए सारे पूरे घर के सब, मतलब बीजेपी को, टोटल बीजेपी को। जी सर, आपका क्या नाम हुआ?
घनश्याम। घनश्याम जी आप मथुरा के ही हैं? जी हाँ। कितने सालों से मथुरा रहते? मेरा जन्म ही मथुरा का। अच्छा, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जन्म से लेकर आज तक जब आपने सरकारें बदलती हुई देखी हैं, 10 साल आपने देख लिए हेमा मालिनी जी की, अभी कैसा कार्यकाल रहा है उनका? सबका अच्छे, अपने समय के मुताबिक सबका समय पर रहा है। आज जो है बीजेपी मोदी सरकार का भी अच्छा ही है, मायावती का भी अपने समय पर अच्छा था, किसी में कोई है वो नहीं। यानी कौन कौन से काम हैं जो आपको लगता है यहाँ होने चाहिए थे, नहीं हुए अभी तक? जो कांग्रेस के टाइम पर नहीं हुए थे आज बीजेपी ने किए हैं। मंदिरों का निर्माण कराया है, अयोध्या में जो मंदिर बना है तो जो है बीजेपी की सरकार के द्वारा ही बनाया गया है जी। तो देखिए रैंडमली हम लोग लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये मार्केट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, किसी को मैं नहीं जानती, ये भी नहीं मालूम कि वो बात करेंगे भी या नहीं, लेकिन रैंडमली आपके सामने हम एक एक शख्स के पास पहुंचे हैं और एक मत सबकी राय आई है। मुझे कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं दिखा जिसने बोला हो कि भाजपा में उसका विश्वास नहीं है या हेमा मालिनी जी का कार्यकाल उन्हें पसंद नहीं आया। एक मत, एक स्वर से सभी मथुरावासी जिनसे मैंने अभी तक बात करी, सभी का कहना है कि यहाँ से फिर से हेमा मालिनी जीतेंगी और भाजपा के काम से वो बेहद संतुष्ट हैं। कैमरामैन मोहित कैसले के साथ अजातिका सिंह, ABP News मथुरा।